शहर के अजनी थाने की सीमा के धारीवाड़ लेआउट में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर पर संदिग्ध हालत में मिला था। मृतक की पहचान सिद्धार्थ तुलसीराम गायकवाड़ के रूप में हुई है। सिद्धार्थ के शरीर के गले में रस्सी लपेटी गई है, लेकिन मामला और उलझा हुआ है क्योंकि शरीर नीचे जमीन पर गद्दे पर पड़ा है। सबसे खास बात यह रही कि रात में परिवार के सभी सदस्य घर में सो रहे थे। सुबह घटना का पता चलने पर अजनी पुलिस को घटना की सूचना दी गई। हालांकि मामला संदिग्ध लगने के कारण डीसीपी नूरुल हसन भी मौके पर मौजूद थे। पड़ोसियों के मुताबिक सिद्धार्थ गायकवाड़ एक फैब्रिकेशन फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। आज सुबह करीब 8 बजे सिद्धार्थ की पत्नी उन्हें लेने सामने के कमरे में आई तो उनका शव मिला। उसने घर पर सो रही लड़की और लड़के को सूचना दी, जिसके बाद अजनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। सिद्धार्थ के शव के गले में रस्सी लिपटी हुई है, लेकिन लाश लड़की नहीं है, इसलिए यह आत्महत्या है कि हत्या, अजनी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने मौके पर मिले परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर अचानक मौत दर्ज की, लेकिन जांच के अंत में चौंकाने वाले खुलासे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। धाड़ीवाल लेआउट मध्ये है एक सिद्धार्थ गायकवाड़े म्हणून 60 वर्षाचे इसम राहतात। त्यांनी काल रात्री सकाळी गळफास घेतल्याच्या अवस्थेत घरी मिळून आले, त्यावरून आम्हाला माहिती मिळाल्यावर आम्ही इथं येऊन चौकशी वगैरे केली आणि त्याचे पंचनामा वगैरे केलेला आहे। आणि हात बांधले नाही आहे त्याचे, फक्त गळ्याला त्याच्या नॉट बांधलेली, गळ्याला बांधलेला आहे आणि दोन वरती गळ्याला बांधलेला आहे त्याच्या। संशयास्पद याच्यासाठी की घरी कोणीच नाही आहे, आपला घरी सगळे झोपलेले आहेत आणि त्यांच्या गळ्याला बांधलेलं आहे आणि ते खाली झोपलेल्या अवस्थेत आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं संशयास्पद वाटतं। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।